गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल स्टार्ट किए थे बच्चों फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की जो स्टार्टिंग की बातें थी वो सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया था। और कल की क्लास में मैंने ये भी बता दिया था कि मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल संविधान कितना प्रदान करता था और अब हमारा वर्तमान संविधान मौलिक अधिकार कितना प्रदान करता है। ठीक है, तो मैंने कल इस बात पर चर्चा किया कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है रिमूव किया गया, ठीक है, उसको बाहर किया गया। तो हम लोगों ने कल जाना था संपत्ति का अधिकार जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या किया गया संविधान से बाहर, सॉरी मौलिक अधिकार से बाहर किया गया। ठीक, तो अब हम लोगों ने यह भी देखा था कि संपत्ति के अधिकार को अगर बाहर किया गया तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। तो हम लोगों ने जाना था 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978, 1978। ठीक है, तो 1978 में 44 अमेंडमेंट के द्वारा किया क्या गया, संपत्ति के अधिकार को कर दिया गया फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर। ठीक, अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार, अब ये कौन सा अधिकार है। तो हम लोगों ने बच्चों कल जाना था कि ये एक लीगल राइट है, यानी विधिक अधिकार है। ठीक, विधिक अधिकार। और अब ये किस आर्टिकल में है, तो हम लोगों ने कल ये जाना 300A में है, यानी कि 300 क में है। और वर्तमान में अब हमारा भारत का संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो हम लोगों ने जाना था कि 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक, 6 के मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नाम लिखे थे। मैंने उसमें क्वेश्चन ये भी बताया था कि कैसे क्रम वाइज, ठीक है, कैसे क्रम वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि तीसरा मौलिक अधिकार कौन है, चौथा मौलिक अधिकार कौन है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, ऐसे पूछे, और उसका आर्टिकल भी पूछा जाए। तो जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखें वो पहला वीडियो जाके देख लें। और मैंने बताया था कि पहला वीडियो मैं जो डाला हूँ उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं शुरुआत में कि जिसको बच्चे, ज़्यादातर टीचर होता क्या है कि उसको नहीं बताते या बच्चे खुद भी उससे उसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ ये समस्या आती है। तो आप उस सेक्शन को जरूर कवर करना, यानी जो पहला वीडियो है फंडामेंटल राइट का, उसको आप जरूर देखना। ठीक, अब हम लोग कल देखे कहाँ तक थे। कल हम लोगों ने देख लिया था अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 में। ठीक है, तो हम लोगों ने कल 4 आर्टिकल कवर किया था। आज हम लोग आएंगे 5वें आर्टिकल पे, यानी अनुच्छेद 16। ठीक, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो पहला, वो पहला वीडियो जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो को अटेंड करें। ठीक, तो हम लोग आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16, ठीक है, अनुच्छेद 16। तो अब अनुच्छेद 16 जो है इसमें क्या कहा गया है बच्चों, देखो मैंने क्या बताया, मैं कई बार अपनी क्लास में बात बता चुका हूं कि आप लोगों का जो क्लास चल रहा है, जो पेड कोर्स वाले भी बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है, जो अदर बच्चे हैं वनडे को उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक, पेड वालों को हालांकि कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है, अतिरिक्त सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। हालांकि ये क्लास जो है सबके लिए जो है फ्री है, ठीक है, नॉन टेक का यानी जीएस का। तो अब मैंने बताया था कि बच्चों वनडे को फोकस करके ही हम चल रहे हैं, तो बहुत सारी बातों को यहाँ शामिल करना वो आपके लिए क्या होगा, नुकसानदायक हो जाएगा। जैसे हम बात करें, अगर हमको अनुच्छेद 16 अब पढ़ाना है, तो अब 16 पढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा, अनुच्छेद 16 का क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, इतने इसके क्लास हैं, 6 क्लास हैं बच्चों। तो अब आपसे 6 क्लास एग्जामिनर वनडे वालों से नहीं पूछने जा रहा, समझ रहा, मैं 6 क्लास आपको बता के क्या करूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, वो 6 क्लास से क्वेश्चन आते भी हैं तो कहाँ आते हैं, वो यूपीएससी में आता है, समझ लो बच्चों, वनडे एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं आता। तो अनुच्छेद 1 और 2, इन दोनों को एक साथ मैं मर्ज करूंगा, और मर्ज करके फिर मैं बताऊंगा कि अनुच्छेद 16 जो है, ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा। तो हम लोग अनुच्छेद 16 को देखते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए, अब सीधे बच्चों अनुच्छेद 16 हम लोग देख रहे हैं। ठीक ना, अनुच्छेद 16 मैंने क्या बोला, 1 और 2 दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करके बताएंगे। ठीक है, और जो मैं ऐड करके बताऊंगा वैसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हम अगर वनडे एग्जामिनेशन के एसएससी के बच्चे हैं, यूपीपी के हैं, जेई के हैं, ठीक है, अगर हम इस सेक्टर के स्टूडेंट हैं, तो हमको कहाँ तक चीजों को जानना है।
ठीक है, आप बहुत सारी चीजें लेके बैठ गए, उसमें से काम की चीजें आप तैयार नहीं कर पाए, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो हम लोग उस लेवल को मेंटेन करके चलेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे कॉन्शियस 16 हम लोगों ने, ठीक है, लिख रखा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, राज्य क्या है, मैं ये बात पहले समझा चुका हूँ, कल का वीडियो देख लेना। तो अब राज्य, राज्य धर्म, धर्म जाति, जाति लिंग, वंश, वंश वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, निवास स्थान तथा तथा उद्भव, उद्भव के आधार पर, के आधार पर राज्य द्वारा लाए गए किसी पद पर, किसी पद पर नियुक्त, ठीक है, नियुक्त होने से ना तो रोकेगा, ना तो रोकेगा और ना ही भेदभाव करेगा, और ना ही कोई कोई भेदभाव करेगा। ठीक है बच्चों, लाइन कंप्लीट होता है। ठीक, अब देखो यहां हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, देखो हम लोग को जो जो किताबी भाषा है, ठीक है, हम लोग किताबी भाषा को लेके नहीं चला जाएगा, किताबी भाषा को लेके चलेंगे तो फिर समझने में बहुत समस्या आएगी, क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक, सिंपल तरीके से बात करते हैं। जैसे है क्या कि मान लो सरकार ने कोई वैकेंसी निकाला, ठीक है, कोई पद निकाला। तो अब मान लो सरकार ने कोई वैकेंसी निकाला, जैसे मैंने कहा कि SSC JEE का वैकेंसी आया या UPP की वैकेंसी आई। तो अब UPP का वैकेंसी आया तो राज्य, राज्य मतलब अनुच्छेद 12 देखो क्या है, वहां पे मैंने समझाया वह राज्य कौन है। अभी अगर प्रेजेंट में पीछे वाला वीडियो अनुच्छेद 12 बिना देखे जानना है तो सिंपल तरीके से बस एक बात समझ लो, राज्य मतलब हमारी केंद्र और राज्य की सरकार, ठीक ना, सरकार हमारी चाहे केंद्र की चाहे राज्य की दोनों को मिला मतलब क्या राज्य। ठीक, तो राज्य जो है वैकेंसी निकाला, तो अब वैकेंसी निकाला तो फिर राज्य जो है देखो एक दो तीन चार पांच छः सात, ठीक है, सात, इन सात आधारों पर, ठीक है, सात आधारों पर, सात आधारों पर किसी पद पर नियुक्त होने से रोकेगा नहीं और ना ही कोई भेदभाव करेगा। अर्थात मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया बच्चों कि मान लो हम बात कर ले धर्म की, ठीक है, बात कर ले हम लोग धर्म की। तो धर्म की अगर हम बात करते हैं तो मान लो UPP की वैकेंसी आ रही है, SSC JEE की आ रही है। तो अब ये कह दो कि कोई बौद्ध और जैन है या पारसी है तो अब उसको इस आधार पे केवल फॉर्म नहीं डालने दिया जाएगा, ठीक है, या उस पद को प्राप्त करने से रोका जाएगा कि वो बौद्ध और पारसी है। तो यानी कि क्या 16 क्या बोल रहा है कि आप जो है, ठीक है, धर्म के आधार पे कहीं कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, बात कर ले ऐसे ही जाति की, तो जाति में भी क्या पता चला कि कोई SC वर्ग का व्यक्ति है, बच्चा है, या ST या OBC या कोई भी, तो अब उसको इस आधार पर रोक दिया जाए कि तुम फला कास्ट से हो, इस वजह से तुम पद पे नहीं आ सकते, इस SSC JEE के फॉर्म को तुम नहीं भर सकते, UPP के फॉर्म को तुम नहीं भर सकते। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही बात बच्चों यहाँ पे बस समझना है कि ये जो हमारे सामने सात आधार हैं, ठीक ना, इन सात आधारों पे हमारे साथ भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, अब दिमाग में एक बात आएगा, अब दिमाग में एक बात आएगा कि सर हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं, राज्य मतलब यहाँ पे स्टेट यानी प्रांत, ठीक है, कि वहां पे एक बाउंडेशन लग जाता है कि इस फॉर्म को केवल यहाँ इस राज्य के
निवासी ही, इस प्रांत के निवासी ही भरेंगे। तो बच्चों अब देखो, वही मैंने कहा ना कि अब आर्टिकल 16 का क्लाज थर्ड, आर्टिकल 16 का क्लाज थर्ड क्या कहता है, अब वो कुछ अपवादों की बात कर दिया है, ठीक है। अब अपवाद क्या है, अपवाद ये है, एक्सेप्शन ये है कि देखो कुछ राज्य, कुछ मतलब कंडीशन ऐसे हैं कि जब वहां की सरकार, ठीक है, ये प्रूफ कर देगी कि निवास संबंधी, ठीक है, यहाँ पे योग्यता आवश्यक है कि आपका यहाँ इस पद को पाने के लिए यहाँ का निवासी होना जरूरी है, ठीक है, वो साबित करेंगे, तब जो है अदर स्टेट वालों को उस पद पे नियुक्त होने से क्या होगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है, रोक दिया जाएगा। ठीक, हम बात कर ली इसमें जैसे भाषा वगैरह भी, ठीक है, भाषा वगैरह भी बाधा आती है। तो अब मालूम चला कि आप ट्राइब्स एरिया में किसी पद पे नियुक्त होने जा रहे हैं और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो पता ही नहीं है, तो कुछ आधार ऐसे हैं, इन आधारों पे, ठीक है, हमें नियुक्त होने से रोका जा सकता है, ठीक है, किस आधार पे, निवास स्थान के आधार पे, समझ लो, निवास स्थान के आधार पे। तो वो बच्चों एक्सेप्शन है, वो अपवाद है, तो अपवाद हमसे यहाँ पे नहीं पूछेगा एग्जाम, मगर मैंने यहाँ पे चर्चा बच्चों कर दी। ठीक, धर्म की भी बात कर लो, ठीक है, धर्म की बात कर लो। अब धर्म की बात कर लें तो धर्म में क्या मैंने बोला, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अब मान लो जैसे कि कोई मान लो मुस्लिम ट्रस्ट है, ठीक ना, कोई मुस्लिम संस्था है, अब वहां पे उस मुस्लिम ट्रस्ट का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा क्या है, मुस्लिम ही होना चाहिए। तो अब ये कह दो कि हिंदू जाके कहे कि नहीं मैं बनूंगा अध्यक्ष, या हमारा कोई मंदिर है, अब मंदिर का पुजारी हमेशा क्या है, हमेशा हिंदू ही होगा, तो अब मुस्लिम आके कह दे कि नहीं मैं पुजारी बनूंगा, क्यों बनूंगा, क्योंकि अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि धर्म के आधार पे कोई भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, व्यक्ति शब्द यूज नहीं करेंगे, नागरिक के साथ नहीं किया जाएगा, तो अब आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपवाद है, खुद इमेजिन कर लो, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, और ये सही भी है, ठीक है, कि अन्य धर्म का व्यक्ति जो है आके पुजारी बनेगा मंदिर का, या हिंदू जो है जाके जो है कि इमाम बनेगा, काजी बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, बात क्लियर। तो ओवरऑल हम लोग को क्या समझना था, हम लोग को अनुच्छेद 16 समझना था, और 16 में हम लोग को क्या जानना था कि इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य यानी सरकार, चाहे केंद्र की चाहे राज्य की, ठीक, कोई पद अगर ले आ रही है, कोई सरकारी वैकेंसी ले आ रही है, तो उस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने से, ठीक है, हमें रोका नहीं जाएगा, ठीक है, रोका नहीं जाएगा। और कितने आधार पर नहीं रोका जाएगा, ठीक है, कितने आधार पे, तो 7 आधार पे, ठीक है, 7 आधार पे, 7 आधार कौन कौन हो गए, राज्य, ये सॉरी बच्चों, यहाँ राज्य पे मैंने लिख दिया एक, ठीक है, निवास स्थान, और ये उद्भव, ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग जाति, ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, और यहाँ हो गया ओरिजिन, ठीक ना, ओरिजिन, उद्भव, ठीक ना, 7, ठीक है, 7। तो 7 आधारों पे हमें नियुक्त होने से सरकारी पदों पर रोका नहीं जाएगा, बात क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 17, ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 17 क्या है, तो ये बच्चों ज्यादा लोग इसको जानते हैं कि अनुच्छेद 17 क्या होता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी जो है उसके उसके एबोलिशन की बात की गई है, उसके अंत की बात की गई है। ठीक, तो अब देखो जैसे हम चले जाएं थोड़ा सा संविधान लागू होने के पहले, तो जब संविधान लागू होने के पहले हम जाते हैं, तो बच्चों देखो वैदिक काल में, वैदिक काल से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ठीक है, कॉन्सेप्ट आया। वैदिक काल हमारे दो पार्ट में बटे, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, कर्म था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया, तो वहां पे वंश हो जाता है। तो ये परंपरा चलती रही, ठीक है, और फिर विभिन्न विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज आएंगे, ठीक है, नियम आएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, भेदभाव बढ़ेंगे,
डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, और जब ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा तो समाज में दिक्कतें पैदा होनी शुरू होंगी, एक वर्ग विशेष जो है वो शोषित होगा, ठीक है, उसका एक्सप्लाइटेशन होगा। तो अब हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, तो हमारे वहाँ जैसे जो शूद्रों के साथ थोड़े गड़बड़ व्यवहार होते आए, ठीक है, होते आए, अब क्या कि भाई कुएं में तुम पानी मत भरो, मंदिर में तुम प्रवेश मत करो, तुमको स्कूल जाने की इजाज़त नहीं होगी, तो ऐसे बहुत सारे जो है उलूल जुलूल नियम उनके लिए रहे हैं। तो अब देश हमारा आज़ाद हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, तो संविधान हमारा जो है ये क्या है, ये बच्चों समानता की बात कर रहा है, ठीक ना, सामान्य लोगों में समानता की बात कर रहा है, ये बात हम बोलेंगे, सामान्य लोगों में समानता की बात कर रहा है। तो भेदभाव जो है बच्चों यहाँ पे अब नहीं हो सकता, ठीक ना, भेदभाव नहीं हो सकता। तो अब क्या है, इसी को क्या किया गया है, खत्म किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बहुत आसान से एक बात लिख देनी है कि इस अनुच्छेद के तहत, ठीक ना, इस अनुच्छेद के तहत तहत अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता को पूर्णतः, ठीक ना, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः यानी पूरी तरह, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और अस्पृश्यता जैसा आचरण, अस्पृश्यता जैसा आचरण बच्चों क्या है, दंडनीय अपराध, ठीक ना, दंडनीय अपराध, ठीक है। तो दंडनीय अपराध अस्पृश्यता जैसा आचरण क्या है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया, ठीक है। तो अब संसद का, ठीक है, संसद का एक अधिनियम है, ठीक है, संसद का एक अधिनियम है, तो संसद ने एक अधिनियम बनाया 1955 में, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक ना, 1955, ठीक। तो यहां हम लिख देंगे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, ठीक ना, 1955। तो यहां तक बात तो बच्चों क्लियर हुआ बात, ठीक। तो बस यही बात जानना है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर समाज में हो, आप स्कूल कॉलेज में हो, ठीक, कहीं कोई बच्चा अगर SC ST वर्ग का आता है, ठीक ना, OBC वर्ग का आता है, आप जनरल वर्ग में हो, तो अब ये नहीं कि उसके साथ जातिगत भेदभाव करें कि तुम जो है निम्न वर्ग के हो, ठीक है, हम उच्च कुल के हैं, उच्च वर्ण के हैं, ठीक, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मेरे पास मत आओ, तो ऐसा नहीं, तो ये बच्चों अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और कानूनन ये क्या होगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। बात क्लियर, ठीक। चल अब आते हैं बच्चों हम लोग अनुच्छेद 18। आर्टिकल 18, ठीक ना, अनुच्छेद 18। तो अब अनुच्छेद 18 क्या है, अनुच्छेद 18 को समझते हैं, ठीक ना। तो अब देखो अनुच्छेद 18 क्या है, अनुच्छेद 18 में बच्चों जो टाइटल्स मिलते थे ना, ठीक ना, टाइटल्स, तो उसके उसके एबॉलिशन की बात की गई है, ठीक। तो अब जो टाइटल हैं, जो उपाधि हैं, तो उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो अच्छा कैसी उपाधि, जिसको समाप्त कर दिया किसने, संविधान निर्माताओं ने, तो क्या है ये, ठीक, इसको जरा हम लोग देखें। तो देखो बच्चों यहां लिख देंगे इसमें इसमें उपाधियों के अंत की बात, ठीक है, ठीक है। तो अब जो टाइटल्स मिलते थे ब्रिटिश शासन काल में, ठीक है, तो उसी को, ठीक है, उसी को समाप्त करने की बात की गई है। अच्छा कैसे टाइटल्स मिलते थे, तो देखो बच्चों ब्रिटिश शासन काल में जो अंग्रेजों का कह लें ऐसे कि अंग्रेजों का चमचा टाइप, ठीक ना, तो जो अंग्रेजों के चमचे टाइप होते थे ना, उनको कुछ उपाधियां मिलती थी, ठीक है। कैसी उपाधि मिलती थी, तो महाराजा का, ठीक है, महाराजा, राय बहादुर, ठीक ना, राय बहादुर, राज बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर, सर, नाइटहुड, तो ऐसे बच्चों उपाधियां मिलती थी, समझ रहे हो, उपाधियां। तो इन्हीं उपाधियों को, सर की उपाधि मिली,
नाइटहुड की उपाधि मिली, ठीक है, नवाब बहादुर, महाराजा राय बहादुर। तो ऐसे बच्चों क्या होता था तब, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, बस समझने के लिए चाहिए कि ऐसे बच्चों देखो टाइटल्स मिलते थे। अब ये टाइटल्स जो था ये एक तरह से हमारे उस समाज में ब्रिटिश शासनकाल में एक देखो एक खौफ का ये प्रतीक होता था, समझ रहे हो, खौफ का प्रतीक होता था। जिस भी व्यक्ति के नाम के आगे ये टाइटल लगा होता था, ठीक है, तो एक सीधा सा मैसेज होता था कि ये व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का बेहद ही खास आदमी, समझ रहे हो। तो उसके पता चल रहा है कि इसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। अब वो क्या, लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो लोग डर की वजह से उसके खिलाफ जो है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसका कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये खौफ का एक पूरा प्रतीक था। तो जब हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के सारे टाइटल को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक, खत्म कर दिया गया। परंतु परंतु दो ऐसे टाइटल हैं बच्चों जो आज भी हमारे वहां जिंदा है, ठीक ना, जिंदा है। तो कौन कौन से, तो अब देखो यहां लिखेंगे उपाधियां, ठीक ना, उपाधियां, उपाधियां केवल केवल दो क्षेत्रों में, दो क्षेत्रों में दी जाती है, दी जाती है। तो वो दो दो क्षेत्र कौन हो गया, पहला हो गया बच्चों सेना और दूसरा हो गया विद्या, विद्या, ठीक है। तो सेना और विद्या के क्षेत्र में आज भी उपाधि प्रदान की जाती है। तो सेना के क्षेत्र में क्या, जैसे आपने सुना होगा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, तो ये इस टाइप की जो उपाधियां हैं ये सेना में दी जाती हैं, ठीक है, तो आज भी मिलता है। और शिक्षा की बात करें तो कोई व्यक्ति अगर ज्योग्राफी से पीएचडी कर रखा है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रखा है, तो वो देखो डॉक्टर बन के वो दवा नहीं लिखता, वो उस विषय का डॉक्टर टाइप हो चुका है। तो इस वजह से वो क्या होता है, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर एक शब्द यूज करता है, ठीक ना, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है। तो ये दो सेक्टर में केवल उपाधियां दी जाती हैं, अन्य किसी भी सेक्टर में कोई उपाधि नहीं दिया जाता। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये बताइए भारत रत्न तो दिया जाता है, ठीक, भारत रत्न दिया जाता है, प्लस जो है पद्मश्री, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक, पद्म भूषण, तो ऐसे जो है ये उपाधि तो दी जाती है। याद रखना बच्चों ये उपाधि नहीं है, ठीक है, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, ये बच्चों ये सम्मान है, ठीक है, ये क्या है, सम्मान है। तो सम्मान जो है, सम्मान, अब सम्मान और उपाधि में अंतर क्या है, ठीक है, अब सम्मान और उपाधि में अंतर क्या है समझना। देखो सम्मान और उपाधि में अंतर क्या होता है, उपाधि का प्रयोग आप अपने नाम के आगे या पीछे कर सकते हो, यूज कर सकते हो उपाधि का, ठीक ना, परंतु सम्मान का प्रयोग आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं लिख सकते भारत रत्न फलाना, पद्म विभूषण कौशल कुमार, ठीक है, तो ऐसे जो है, ऐसे आप जो है ये नहीं जो है कि लिख सकते, समझ रहे ना। तो ये बात आपको यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना, ठीक है, चलो। तो ये इतनी बात, अच्छा तो क्या हमारे पॉइंट्स यहीं खत्म हो गए ना, अभी भी सीजीएल लेवल पे अभी कुछ और बात बच्चों जाननी। अब सुनो, अगर अभी मैं क्वेश्चन भी इस पे बनाऊंगा, ठीक ना, थोड़ा सा बच्चों पेशेंस बनाए रखो, ठीक है, समय दो मुझे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और भरपूर मैं जो है कंटेंट भी दूंगा, ठीक ना। अब मान लो दूसरी कंडीशन पे आते हैं, ठीक है, मान लो कोई देश है जैसे अमेरिका, अब भारत के लोगों को देता है मान लो कोई उपाधि, तो क्या भारत के लोग, भारत के नागरिक उपाधि ले सकते हैं, क्लियर रखना बच्चों, बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक ना, बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक। अच्छा अब वापस आए, अब अगर मान लो भारत में कोई विदेशी रह रहा है, भारत में कोई विदेशी व्यक्ति रह रहा है और उसको उसके देश का, उसको उसके देश की सरकार उपाधि दे रही है, मगर वो भारत में रह रहा है, व्यवसाय कर रहा है वगैरह वगैरह यहाँ है, तो क्या वो उपाधि ले सकता है, ले सकता है, मगर कैसे। अब यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में रह रहा, ठीक है, कोई भी विदेशी, ठीक है, कोई भी विदेशी किसकी सहमति से,
ठीक है, किसकी सहमति से ये सम्मान जो है, ठीक है, उपाधि जो है ये प्राप्त कर सकता है। तो अब ऑप्शन देगा किसकी सहमति से उपाधि प्राप्त कर सकता है, तो यहाँ आंसर क्या होगा। ठीक, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, प्रधानमंत्री की सहमति से यानी इजाजत से, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इजाजत से, या राष्ट्रपति की इजाजत से, या राष्ट्रपति प्लस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के इजाजत से। ठीक, तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे केवल आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। ठीक ना, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अनुमति देगा तभी कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, ठीक है, वो उपाधि स्वीकार कर सकता है, अन्यथा उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। तो ये बात बच्चों हमको ध्यान में रखना होगा। और ये बात कहाँ लिखी है, संविधान के, ठीक है, अनुच्छेद 18 के क्लाज 4। ठीक ना, क्लाज 4। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हम लोग को ये नहीं जानना, ओवरऑल बस हम लोग को जानना है। तो अब यहाँ ये बात हम लोगों ने जान लिया, तो अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। ठीक ना, क्वेश्चन पे पहली बात, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है, आंसर क्या है बच्चों, अनुच्छेद 18। अच्छा, अगली बात, अनुच्छेद 18 में कहा क्या गया है, ऑप्शन ए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन बी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, ऑप्शन डी कि इसके द्वारा यानी इस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसके द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया, यानी अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है, उपाधियों के अंत की बात। ठीक, अब दूसरी बात, भारत में कोई विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, या नागरिक है, ठीक है, तो वो किसी अन्य देश से कोई उपाधि लेना चाह रहा है, तो वो किसकी अनुमति से लेगा। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हमारा हो गया राष्ट्रपति की अनुमति से। अच्छा, अगली बात, भारत में क्या कुछ ऐसा है, कोई सेक्टर ऐसा है जहाँ पे अभी भी हम लोग उपाधि जो है लेते हैं, तो बच्चों क्या बताओगे, दो सेक्टर, पहला सेना और दूसरा विद्या। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके बने अनुच्छेद 18 से। अब अनुच्छेद 18 खत्म हुआ, ठीक है, अनुच्छेद 18 खत्म हो रहा है बच्चों, तो यहाँ अब ध्यान रखना, अनुच्छेद 18 के खत्म होते ही हम लोग का पहला मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे दूसरे मौलिक अधिकार पे, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हाँ ये बात यहां मैं लिख दूं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा ले लेगा। कोई नागरिक या विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि किसी अन्य देश से किसी अन्य देश से ले सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात क्लियर। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड फंडामेंटल राइट में, और बच्चों यहां लिखूंगा नहीं मैं, दूसरा मौलिक अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, और इसके बाद आर्टिकल 19 का क्लॉज फर्स्ट, ठीक है, सब क्लॉज ए। ठीक, तो अब अनुच्छेद 19 को मैं यहां पे पूरा लिखूंगा नहीं, मैं सीधे बस आता हूं डायरेक्ट आर्टिकल पे। ठीक, अब होगा आर्टिकल 19, ठीक ना, अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 क्या है बच्चों, इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे देखो यहां ध्यान रखना, मैंने कल की क्लास में आप लोग से बताया था कि 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, भारत के नागरिक और किसी को नहीं प्राप्त है।
ठीक, क्या क्या बताया था, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। अदर जो आर्टिकल हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, वो विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी उसके लिए जो अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है उसके लिए हम शब्द यूज क्या करते हैं, व्यक्ति। और जो अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, हमारे देश की जनता को प्राप्त है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सिटीजन यानी नागरिक। ठीक, तो अब देखो अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट का सब क्लॉज ए, यानी हिंदी में बोले तो अनुच्छेद 19 का परंतु एक का उप परंतु क क्या बोल रहा है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को, ठीक ना, भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी प्राप्त होगी, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ठीक, तो अब देखो यहाँ थोड़ा सा इस बात को मैं हल्के से थोड़ा सा स्पीड में मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दिया, प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ठीक है, प्राप्त होगी। अब ये स्वतंत्रता का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा, ठीक है, या पेपर है तो पेपर में एडिटोरियल देता है संपादकीय, ठीक है, उसमें लिख के, ठीक है, लिख के, या फिर हम कोई चिन्ह ही है, ठीक है, उसके द्वारा, या फिर मीडिया आ गई हमारे सामने और मीडिया ने कुछ पूछा तो हमने जो है उससे कह के। तो अब ये क्या है, विचार हम जैसे अपने व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, व्यक्त करेंगे, परंतु हमारे विचार व्यक्त करने के जो तरीके हैं, ठीक है, वो शांतिपूर्ण होने चाहिए, उससे कोई समाज में अव्यवस्था ना फैले। ठीक है, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार बना रहे। ठीक है, अब विचारों को व्यक्त करने का मतलब ये नहीं है कि अब जो है अगर हम हिंदू धर्म से है तो अब एक कट्टरवादी मानसिकता लेके, ठीक है, एक वर्ग विशेष के खिलाफ खूब ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिख तो रहे ही हैं, प्लस जो है रोड पे माइक लगा के स्पीच लगा देने, तो ये क्या होगा, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, वो भंग हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हमने आर्टिकल 19 के क्लाज फर्स्ट के सब क्लाज एक का सदुपयोग नहीं किया, उसका हमने क्या किया, दुरुपयोग किया। तो हमारा संविधान किसी भी चीज़ों के दुरुपयोग की इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो अब वही बात है कि हमारे दिमाग में कुछ भी आ रहा है और अगर उन बातों में सत्यता है तो उस बात को हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, या तो लिख के कर देंगे, या तो बोल के कर देंगे, ठीक है, या फिर चिन्हों के माध्यम से भी हम जो है इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो अब मैटर आ गया कि विचारों को व्यक्त करने की जो माध्यम है, ठीक है, वो भी इस अनुच्छेद में शामिल है। ठीक, तो अब यहां हम देखें स्वतंत्रता प्राप्त होगी, प्राप्त होगी, इसमें इसमें विचारों को व्यक्त व्यक्त करने के माध्यम माध्यम शामिल शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे की बात कर लें तो जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस एवं मीडिया, तो मीडिया आया तो हमने क्या किया, मीडिया आया बच्चों तो हमने बोल के शब्दों द्वारा, ठीक है, बोल के शब्दों द्वारा व्यक्त कर लिया। प्रेस है तो हमने लिखकर, ठीक है, लिखकर अपने विचार व्यक्त कर लिया। ठीक, और इसके बाद मीडिया के बाद जो है
हम देखें तो फिर आ जाता है सोशल 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 नेटवर्किंग नेटवर्किंग साइट्स साइट्स, ठीक ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब इस पे जो है हम इसकी बात करें तो अब यहाँ पे हम कार्टून बनाकर या चिन्ह बनाकर, ठीक है, चिन्ह बनाकर क्या कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो सिंपल बात बच्चों, यहाँ पे ये इतना आपको समझना था, ठीक है। चलो तो यहाँ तक की बात बच्चों क्लियर। अब इसमें बच्चों इसमें और सारे कंडीशन है, ठीक है, परंतु हमको इसके और सारे कंडीशनों को बच्चों अब नहीं जानना है, ठीक ना, इसके और सारे कंडीशन को हमको नहीं जानना है, ठीक। तो अब हम लोग 19 के बाद, ठीक ना, अब हम लोग 19 के बाद अगले आर्टिकल में प्रवेश करेंगे, और अगला आर्टिकल बच्चों क्या होगा, आर्टिकल 20, ठीक ना, आर्टिकल 20। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। चल तो अब बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तो आर्टिकल 20, ठीक ना, अनुच्छेद 20, ठीक बच्चों। अब देखो अनुच्छेद 20 के, यहाँ क्या है बच्चों, तीन क्लॉज हैं, ठीक ना, 20 का क्लॉज फर्स्ट, ठीक है, फिर 20 का क्लॉज सेकंड, क्लॉज सेकंड, ठीक, और क्लॉज थर्ड, ठीक। यहाँ मैं इसकी चर्चा पहले कर दूँ, ठीक है, यहाँ एक शब्द मैंने यूज किया कार्योत्तर या पूर्व विधियों यानी कानूनों, पूर्व विधियों से संरक्षण संरक्षण, ठीक है। सेकंड देखें दोहरे दंड से, दोहरे दंड से संरक्षण, और थर्ड जो आ जाता है आत्म अभी संरक्षण से संरक्षण। अब बच्चों ये देखो लैंग्वेज इसका, ठीक ना, लैंग्वेज इसका कितना खतरनाक है, समझ रहे हो ना, इसका लैंग्वेज देखो कितना खतरनाक है, ठीक। तो अब लैंग्वेज जो है ये अगर किताब आप लोग पढ़ोगे, ठीक ना, अगर आप लोग किताब पढ़ोगे तो किताब से आप लोग तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, पहली बात तो यही है, क्लियर बात है। फिर सुनो मैंने क्या बोला है बच्चों, हम लोग उन उन बातों को देखेंगे जहां से एग्जामिनर हमारे लिए क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, क्वेश्चन बनाता है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल 20 के तीन क्लॉज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मगर हमसे पूछे क्या जाते हैं, केवल सेकंड और थर्ड, तो यानी कि केवल दो क्लॉज हमसे पूछे जाएंगे। तो अब मैंने क्या बोला है कि क्लॉज वाइज हम चीजों को नहीं जानेंगे, ठीक। मैं बार बार इस बात को बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग जो है वनडे के बच्चे हो, मैं यूपीएससी को बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम क्लियर बात है, ठीक है, एकदम क्लियर बात है। तो अब यहाँ पे क्लॉज हम लोग को नहीं देखना। अब दो और तीन अनुच्छेद 22 का, ठीक है, क्लॉज सेकंड और थर्ड दोनों को एक साथ मैं मर्ज करूँगा, ठीक, और मर्ज करने के बाद हम देखते हैं क्या पॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये 20 का क्लॉज फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, परंतु हम लोग को ऐसे नहीं देखना है, बस दिमाग में अगर थोड़ा बहुत अगर आ जाए तो रख लेना, कोई बात नहीं, ठीक। आओ देखते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा, या हम कह लें दंड, पनिशमेंट, दो बार सजा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, ठीक, और ना ही इसी में ऐड करेंगे क्लास थर्ड को, और ना ही आत्म अभिशंसन, लिखा था मैंने क्या बच्चों अभी थोड़ी देर पहले,
आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन मतलब अपने ही विरुद्ध, खुद के अगेंस्ट क्या करना, गवाही देना, ठीक, और ना ही अपने ही विरुद्ध, अपने ही विरुद्ध विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाता, ठीक है। यही बात बच्चों आपको इतना जाननी है, समझ रहे हो, ये बात इतनी जाननी है। तो अब समझना बच्चों, एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जाएगी और ना ही अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? जैसे देखो, किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया, ठीक ना, किसी भी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया, ठीक। तो अब ये कह दो कि उसको उसी अपराध के लिए, मतलब अपराध किया, जेल भेज दिया गया, और फिर उसको उसी अपराध के लिए दोबारा जेल भेजा जाए, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। अब कोई एग्जाम्पल अपने आप से ले लो, मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक ना, कोई एक बच्चा है, मान लो कोई एक बच्चा है देव जायसवाल, ठीक। अब देव जायसवाल ने क्या किया, अपनी दीदी को मार दिया थप्पड़, और बहुत तेज मार दिया, पता चला दीदी जो है बेहोश हो गई। अब जो है कि दीदी बहुत गुस्सा हो गई, और दीदी जो है उसको जेल भिजवा दी। तो अब 2 दिन में छूट के आ गया देव। अब फिर उसके बाद देव आया, तो अब दीदी कहीं, ठीक है, देव की कि ऐसा है और क्यों जो है कि तुम हमको मारे थे, तो पुलिस को फिर से बुला दें, और पुलिस जो है फिर देव को पकड़ ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बार देव जेल से आ गया, पुलिस के पास से आ गया, तो अब, ठीक है, उसे दोबारा पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, क्लियर ये बात, ठीक। अब इसमें कंडीशन जान लो, इसमें कंडीशन जान लो, अगर पुलिस देखो सेकंड वाले में आते हैं, ठीक ना, सेकंड वाले में आते हैं कि अब मान लो जो है पुलिस जो है क्या हुआ, किसी अपराध के लिए किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ रही है, कोई अपराध हुआ, अब पुलिस ने पकड़ा, ठीक। तो पकड़ने के बाद कहा कि नहीं, तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ही जो है ये अपराध किया है, तो अब पुलिस ऐसा नहीं कह सकती, ठीक है। जैसे मान लो पर्टिकुलर किसी मोहल्ले में चोरी हुआ, ठीक है, तो अब चोरी होता है, तो चोरी में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति ने चोरी किया था या चेन स्नेचिंग किया था, तो अब उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गई थी, समझ रहे हो, उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गई थी। तो अब पुलिस पकड़ के उस व्यक्ति को ले गया था, ठीक है, उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गया था, तो अब मान लो मोहल्ले में फिर से चेन स्नेचिंग हुआ, तो अब उसने क्या बोला, अब उसने ये पुलिस ने ये कहा कि एक बार इसके पहले चेन स्नेचिंग हुआ था, तो तुमने ही चेन स्नेचिंग लग रहा है फिर किया है, जबकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है। तो अब वो तुमको फोर्स नहीं कर सकती है कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ही क्या किया है, तुमने ही चेन स्नेचिंग की, ऐसा जो है वो नहीं कह सकता, ठीक है। और अगर भविष्य में कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि फोर्सफुल्ली पुलिस कह रही है कि एक्सेप्ट करो, तो मार खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, मार खाने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से कहो हाँ मैंने किया, ठीक। कहेगा जज के सामने जाके बोलोगे, तो बोलेगा कहेगा हाँ ठीक है मैं जज के सामने बोलूँ, ठीक। जज के सामने पेशी होगी, और जब जज के सामने पहुंचो, तो वहां पे साफ साफ मुकर जाओ क्या, कि जज साहब मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ये लोग हमारे हमको फोर्सफुली एक्सेप्ट करा रहे थे कि नहीं तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ही किया है, तो अब इन लोगों के मार खाने के डर से मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है बच्चों, तो ये पुलिस के, ठीक है, टार्चर से ये जनता को बचाता है, इसी वजह से पुलिस के सामने दी गई गवाही न्यायालय में मान्य नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात क्लियर, तो यही बात बस बच्चों ध्यान रखना था, एक ही अपराध के लिए किसी को दो बार सजा नहीं दी जाएगी और उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग का, यहाँ तक हम लोग का पॉइंट क्लियर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं अगला आर्टिकल, ठीक है। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं, ठीक। तो 20 के बाद हम लोग आएंगे अब 21, ठीक है, चलो अब अनुच्छेद 21 को देखते हैं। ठीक है, चलो तो आते हैं बच्चों अब
नेक्स्ट आर्टिकल पे, तो आर्टिकल होगा 21। आर्टिकल 21, ठीक है। चल अब देखते हैं अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 क्या है, आओ इसको समझते हैं, ठीक है। पहले इसकी लाइन को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों, लाइन को लिखना बेहद जरूरी है, वरना ये अनुच्छेद 21 इतना जटिल है, इतना जटिल है कि बिल्कुल समझ में आएगा नहीं, ठीक है। लिख के और जब इसको मैं समझाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है बच्चों, जब समझाना स्टार्ट करूंगा तो बड़े ही ध्यानपूर्वक माइंड आपका कहीं जो है और नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एकदम मेरे लेक्चर पे कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप जो है अदर चैनलों को, ठीक है, आप स्टार्ट करके देख लेना, आर्टिकल 21 सर्च कर लेना, आ जाएगा वीडियो और देख लेना उसको, ठीक। देखो समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं, कंसंट्रेट मत होना, देखो समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। समस्या आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक। अनुच्छेद 21 देखते हैं, अब लाइन पूरा मैं लिख दूँ तब उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं एवं दैहिक, दैहिक मतलब बच्चों शारीरिक, बॉडी, ठीक ना, शरीर की बात हो रही है, दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक। अब बच्चों यहां समझना, ठीक है, देखो यहां हम देखें किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, ठीक ना, प्राण यानी यहां बात कर ले, जीवन की बात हो गई, लाइफ की बात हो गई, ठीक, और यहां दैहिक, यानी शारीरिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, ठीक ना। तो अब कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का प्राण और उसकी शारीरिक स्वतंत्रता छीनी जाएगी, मगर कब छीनी जाएगी, जब विधि द्वारा, स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ। तो अब प्राण छीना जाना मतलब क्या, यहां पे बात हो रही है बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है और उसका अपराध बड़ा है, ठीक है, तो अब उसको सजा देने की बात आ रही है, ठीक है। तो मान लो नियम कुछ ऐसा है कि कंडीशन कुछ ऐसी है कि उसको फांसी देना पड़ रहा है या फिर 20 साल के लिए जेल भेजना पड़ रहा है, तो जेल भेजा जाएगा, 10 साल, 5 साल, 6 महीने, जो भी, फांसी पे चढ़ाया जाएगा, परंतु कब, जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ, ठीक। अब इसको एकदम, अब यहां से बच्चों एकदम केयरफुल्ली सुनना, वरना बात नहीं समझ में आएगी, और जितना चैनल बनकर ये देख लेना, सब में यही दिक्कत होने लगेगा अगर कंसंट्रेट नहीं हुए, ठीक है, मेरा ही नहीं, कहीं नहीं समझ में आएगा फिर, ठीक। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, सबसे जटिल बात बच्चों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, सबसे जटिल बात यही है, ठीक ना, सबसे कठिन बात यही है। अब देखो यहां पे बच्चों दो शब्द मैं यूज करूंगा, एक शब्द यहां मैं यूज करता हूं, पहला विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा वर्ड यूज करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा वर्ड यूज करते हैं विधि की, सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सम्यक प्रक्रिया,
ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, तो अब ये विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस इस्टेब्लिश बाई लॉ। ठीक है, तो अब प्रोसेस इस्टेब्लिश बाई लॉ क्या है, अब इसको समझते हैं हम लोग। देखो बच्चों एकदम केयरफुली सुनना, ये मैंने बनाया यहाँ पे एक स्ट्रक्चर संसद का, पार्लियामेंट, चलो संसद का। अब संसद ने मान लो एक रूल बनाया, रूल क्या बनाया, रूल ये बनाया कि अगर कोई व्यक्ति मान लो चोरी करता है, ठीक है, चोरी करता है, चोरी में कुछ भी कर लिया, ठीक है, मेरा मान लो ये मारकर ही चोरी कर लिया या कुछ भी, तो एक चोरी किया वो, तो चोरी करने का संसद ने, भाई संसद क्या है, संसद कानून बनाने वाली संस्था है, और हमारा जो देश है ये नियम और कानून के आधार पे ही तो चल रहा है, संविधान के द्वारा ही तो चल रहा है, और संविधान क्या है, संविधान नियम और कानून का एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, और प्लस क्या है, ये सरकार के तानाशाही पे, ठीक है, अंकुश लगाने का काम करता है। तो अब देखो क्या है, संसद का काम है विधि बनाना, तो संसद ने एक विधि बनाया कि कोई व्यक्ति अगर चोरी किया तो चोरी करने के उसको एवज में, यानी कि चोरी करने का अपराध में उसे 20 साल की सजा दी जाएगी, ठीक, 20 साल की सजा दी जाएगी। अब ये कानून बन रहा है, कैसे बन रहा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल कंसंट्रेशन, बिल्कुल बच्चों गड़बड़ ना हो, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यहां पे बच्चों एक शब्द मैंने यूज किया वाचन, ठीक है, यहां भी शब्द यूज किया वाचन। तो देखो लोकसभा राज्यसभा हमने जाना, यहाँ पे 545 सदस्य वर्तमान समय में और यहाँ 245 सदस्य। तो अब मान लो संसद में लोकसभा से ये कानून पास कराना है कि कोई व्यक्ति अब कोई भी चोरी करेगा तो उसे 20 साल का कारावास मिलेगा, ठीक, यहाँ तक कि अगर दुकान से एक ब्रेड की भी चोरी कर लिया, ठीक है, 20 रुपए के ब्रेड की भी चोरी कर लिया तो उसको 20 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। तो अब क्या है, लोकसभा से पास हुआ, अब लोकसभा से कैसे पास होता है, तीन चरण पे, ठीक ना, तीन चरण पे यहाँ पे बच्चों क्या होता है, बहस होता है, ठीक ना, यहाँ पे तीन चरण में बहस होगा। अब तीन चरण में बहस कैसे होता है ये नहीं जानना है, जानना होता तो हम संसद जब पढ़ाए थे उसमें बता दिए। तीन चरण में बहस होगा, बहस होने के बाद ये लोकसभा से पास हुआ, फिर जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी तीन चरण में क्या होगा, तीन चरण में यहाँ पे बहस होगा, ठीक है, और फिर यहाँ से भी क्या होगा, पास हो जाएगा, और फिर जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उस पर अपना साइन कर देगा। तो अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या कह रहा है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यही है कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया है तो उसको 20 साल के लिए जेल भेजना है, परंतु न्यायालय ये देखता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ था कि नहीं हुआ था। मतलब ये है कि ये तीन स्टेज पे बहस होके लोकसभा राज्यसभा से ये पास हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक ना, हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये सारे प्रोसेस, ठीक ना, सारे प्रोसेस अगर पूरे हुए हैं, उसके बाद अगर संसद ने कानून बनाया है कि कोई व्यक्ति अगर चोरी करेगा तो उसको 20 साल की सजा दी जाएगी, ठीक, तो अब क्या है, अब सर्वोच्च न्यायालय 20 साल की सजा दे देगा। अब लग रहा होगा बच्चों ये तो बेहद गड़बड़ है, तो यहां क्या है, ये सिस्टम कहां चलता है, ये सिस्टम भारत में है, परंतु भारत में सिस्टम दूसरा, इसके साथ कुछ और काम करता है, मगर ब्रिटेन में ये सिस्टम कहां काम करता है बच्चों, ब्रिटेन में। और हमने संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया है, तो संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ही लिया है, समझ रहे बच्चों, हमने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ही लिया है। तो अब ब्रिटेन से तो लिया, मगर फिर सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में मैटर आया। अब सर्वोच्च न्यायालय में जब मैटर आएगा, मान लो केस आया सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक, अब सर्वोच्च न्यायालय में केस आ रहा है, तो केस आने में बच्चों क्या होगा, अब केस आने में ये होगा, भाई सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय देखेगा कि भाई ये तो जो है कि वास्तव में बड़ा गड़बड़ है, ठीक ना, वास्तव में बड़ा गड़बड़ है यार, जो है कि एक चोरी के लिए तुम 20 साल के लिए जेल भेज दोगे। अब सर्वोच्च न्यायालय भी ये जान रहा है मगर मजबूर है, क्यों, क्योंकि संसद का काम है विधि बनाना, संसद ने विधि बना दिया है, सर्वोच्च न्यायालय चेक भी करेगा कि तुमने सही से विधि बनाया है कि नहीं बनाया है,
ये सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है कि नहीं किया है, तो देख रहा है सर्वोच्चालय कि हाँ भाई ये सारे प्रक्रियाओं का पालन इन्होंने किया है। तो अब क्या है, अब सर्वोच्चालय बेचारा मजबूर है, ठीक ना, अब सर्वोच्चालय क्या है, मजबूर है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। अब चोरी की सजा का, ठीक ना, वो ब्रेड के चोरी की सजा में 20 साल के लिए जेल व्यक्ति को भेज देगा। ये सिस्टम कहाँ वर्क करता है, ब्रिटेन में। अब हमारे वहां भी ये बात लिख दी गई, तो परंतु हमारे वहां पे ठीक है, जब केस आया मेनका गांधी का, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ठीक है, इसके पहले एक केस था ए के गोपालन का, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज 1951, ठीक। अब कहो कि बच्चों ये दोनों केस क्या है, अब वो जटिलता आ जाएगी, अगर मैं उसमें जाऊंगा जटिलता आ जाएगी। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज का जो केस है 1951 का, उसमें जाएंगे, मेनका गांधी के केस में जाएंगे, अब जटिलता आ जाएगी, नहीं जाएंगे हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे को लेके चल रहे हैं, उसको देखते हैं। तो अब देखो हमारे देश ने क्या किया, इस बात को नहीं माना, उसने किसके बात को माना, उसने माना अमेरिका की बात को। अच्छा, अमेरिका की बात को मानना मतलब क्या, अमेरिका की बात को मानना मतलब ये, अमेरिका में सिस्टम ये वाला नहीं चलता है, कौन सा सिस्टम चलता है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक ना, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चलो ठीक है, संसद ने एकदम अपने नियम के तहत ही ये कानून बनाया है कि एक ब्रेड चोरी हुई तो 20 साल के लिए जेल भेजा जाएगा, परंतु अमेरिका कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यार एक ब्रेड के लिए 20 साल जेल की सजा दे दोगे, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, तुमने अगर नियम का पालन करके कानून बनाया है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया है, तो ठीक है, परंतु हम विधि की सम्यक प्रक्रिया देखेंगे। मतलब ये कि क्या तुमने ऐसा तो कोई कानून नहीं बनाया है जो असंवैधानिक है, जो जनता को लाभ देने के बजाय उसको नुकसान दे रहा है, ठीक, जो जनता को लाभ देने के बजाय नुकसान दे रहा है, तो भाई नुकसान ही तो है, एक ब्रेड चोरी के लिए 20 साल की सजा ना, मुझे लगता है कि लाठी उठी से मार के भगा दो, डांट वाट के भगा दो, ठीक है, 2 दिन का, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार 2 दिन 10 दिन का भी जो है जेल नहीं होना चाहिए, एक ब्रेड के लिए तो नहीं ही होना चाहिए, भूखा व्यक्ति है ब्रेड चोरी कर लिया, क्या मतलब है। तो अब यह हमारे वहां सिस्टम क्या है, लिखा तो है अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, परंतु हमारे वहां पालन के किस बात का होता है, हमारे वहां पालन होता है विधि की सम्यक प्रक्रिया का, समझ रहे हो ना, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोटेक्शन जो है हमें दिया गया है किससे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, समझ रहे हो ना। तो अब बच्चों वापस आते हैं, मैं जान रहा हूं इतना देर मैंने बात किया है, इतना देर बात करने के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, फिर आ जाओ, वापस आ जाओ, आर्टिकल 21, ठीक, अनुच्छेद 21 मैंने लिखा, क्या लिखे अनुच्छेद 21 में, कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, ये बात मैंने लिख रखा है। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का, यानी कि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी या जेल की सजा, कारावास की सजा दी जाएगी, परंतु कब दी जाएगी, जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ हो। तो हमारे वहां एक्चुअली में लिखा तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, परंतु पालन किसका होता है, विधि की सम्यक प्रक्रिया। अब ऐसा क्यों है, तो अब बच्चों ये वही बोला ना, फिर अब जाना पड़ेगा मुझे यूपीएससी में और आपको फिर वहां पे प्रॉब्लम होने लगेगी, बस आप इतना समझो कि विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या था, यही बात तो थी कि कानून जिस प्रोसेस से बनता है, यानी कि संसद बनाता है, लोकसभा राज्यसभा में बिल आता है, 3 चरण में इस पे बहस होते हैं, फिर यहाँ से पास होगा, फिर राज्यसभा में भी 3 चरण में बहस होगा, यहाँ से भी पास हो जाएगा, फिर आएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। अब अगर बना दिया कि चोरी करना जो है बहुत बड़ा अपराध है, एक ब्रेड चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, उसके लिए 20 साल की सजा, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या कहता है, 20 साल की सजा दे दो। परंतु हम लोग लिखा तो ये है, मगर मानते किसको हैं, इसको, यानी कि क्या तुम बनाए हो इस तरह से कानून, नियम से बनाए हो, ठीक है, परंतु तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक चोरी, एक ब्रेड की चोरी के लिए तुम 20 साल के लिए जेल भेज दोगे, नहीं, तब क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ का और अमेरिका का भी इस बात को मानता है। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, इसके पास एक पावर है, कौन सा, ज्यूडिशियल रिव्यू,
ठीक ना, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक ना, अपने इस शक्ति का प्रयोग करेगा और प्रयोग करके ये जो कानून बना कि ब्रेड की चोरी के लिए 20 साल की सजा, इसको क्या करेगा, रद्द कर देगा, ठीक ना, रद्द कर देगा। तो हमारे वहां बच्चों ये सिस्टम चलता है, यही देखो हमारे वहां क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हालांकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वर्क नहीं करता, क्या करता है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक ना, सम्यक प्रक्रिया। तो यहां मैंने बताया बच्चों, अब वीडियो को 1 से 2 बार, ठीक ना, फिर देख लेना, एक बार और देख लोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं ये बात कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अब ये देखने के बाद फिर अदर जो है बच्चों, अदर किसी किताब को, किसी अन्य जगहों को आप एक बार चेक करना, देख लेना कि क्या जो मैंने यहाँ जिस तरह से मैंने समझाया है, क्या उस टाइप से अदर कहीं समझा समझाया गया है या किसी ने समझाया है, ठीक है। समझाया होगा भी तो एकदम कंसंट्रेट रहोगे तभी वहां समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि जितना एक आसान तरीका हो सकता था समझाने का, वो मैंने आपको दिया है, ठीक। तो हम लोग का बच्चों आज का क्लास जो है यहीं पे खत्म होता है, अनुच्छेद 20 पे ही। कल हम लोग अनुच्छेद 21 क से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 21 क से आगे बढ़ेंगे, 22 नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, फिर वहां से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कल मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि अनुच्छेद 15 बताए थे, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, ठीक ना, लिंग, जन्म स्थान, यानी 5 आधारों पर, ठीक है, हमको सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से रोका नहीं जाएगा, ये बात 15 में बताए थे। तो फिर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मान लो मेरे घर पे नल लगा हुआ है, नल मैंने लगवाया है, ठीक है, नल मैंने लगवाया है, तो अब कोई आ रहा है पानी भरने के लिए, तो मैं सबका जाति पूछ पूछ के पानी भरने के लिए दे रहा हूँ। तो मुझसे एक एससी वर्ग के बच्चे ने कह दिया, ठीक है, कि हम जा रहे हैं पानी भरने, हमको नाम से उसके पता चल गया कि एससी है, या मैंने सीधे सीधे पूछ लिया, उसने बता दिया, मैंने उसको पानी भरने से रोक दिया। तो अब मैंने यही पूछा था कि कानूनन क्या मैंने सही किया या गलत, ठीक ना, यानी कि मैं अपराध की श्रेणी में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ठीक है, और नहीं आऊंगा तो क्यों, और आऊंगा तो क्यों। तो एक बच्चे ने आंसर सही दिया था, तो है क्या, मैं अपराध की श्रेणी में नहीं आऊंगा। उस बच्चे का तर्क मगर जो है, ठीक है, बहुत सही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे बात क्या है, हमें फंडामेंटल राइट, ठीक है, किसके खिलाफ दिया गया है, हमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, राज्य के खिलाफ दिया गया है। और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताए हैं, हम क्या हैं, राज्य नहीं है, ठीक ना। तो जो बच्चे ने आंसर दिया था कि सर आप निजी व्यक्ति हैं, आंसर उसका सही है, परंतु थोड़ा सा बच्चे अगर तुमने ये जोड़ दिया होता राज्य शब्द ना, तो तुम्हारा आंसर जो है 90% सही है, तुम्हारा आंसर जो है 100 में 100% एकदम करेक्ट हो जाता, ठीक ना। तो वैसे तुमने जो आंसर बताया बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बस थोड़ी सी एक यही कमी थी, राज्य शब्द जोड़ना था, बस ये बोलना था सर आप राज्य नहीं है, ठीक ना, आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, और वो जो हैंडपंप है वो आपका निजी है, ये बात तो तुमने खैर जोड़ा ही था, ठीक है। तो ये बात है, तो मैं राज्य नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरे खिलाफ फंडामेंटल राइट नहीं मिला, मैं भेदभाव कर सकता हूँ, हमारा नल हम नहीं भरने देंगे, ठीक है। तो क्लियर बच्चों, तो आज की क्लास बच्चों यहीं, और आज कोई होमवर्क मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग कल 21 क से क्लास को स्टार्ट करेंगे, और कल मैं प्रयास करता हूँ पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने का, क्यों, जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं उनका फोन आ जा रहा है, ठीक है, कि सर और लिखने में टाइम सर थोड़ा सा आपका लग जा रहा है, और हम लोग चाह रहे हैं कि कोर्स थोड़ा जल्दी खत्म हो, ठीक है। तो हर बच्चों की इच्छाओं का सम्मान है, ठीक है बच्चों, तो प्रयास मैं यही करूंगा अब कि आगे जो 21 क से मैं जो पढ़ाऊँ वो पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ाऊँ, ठीक है। तो पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, पीपीटी जब बनाए रहेंगे, ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी दाएँ बाएँ की चीज़ बता पाऊंगा, समय तक ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और फिर बच्चों कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।